नैनीताल घूमने के लिए आए एक पर्यटक की होटल के कमरे में मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित होटल में ठहरे पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पर्यटक की पहचान देहरादून के रहने वाले मधुसूदन के रूप में हुई है। मधुसूदन मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले थे और नैनीताल घूमने आए थे। जानकारी के अनुसार मधुसूदन 20 जनवरी को घूमने के लिए नैनीताल आए थे, जहाँ वो तल्लीताल स्थित एक होटल में रुके थे और यहाँ से उन्हें अहमदाबाद के लिए निकलना था, लेकिन रेलवे टिकट कंफर्म ना हो पाने के कारण वो जा नहीं पाए और वहीं रुक गए। बता दें कि शनिवार देर रात जब होटल के कर्मचारी उन्हें खाना देने के लिए उनके कमरे में गए, तो कर्मचारी ने देखा कि वो जमीन में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसके बाद होटल कर्मचारी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बात करते हुए पीएमएस के डॉक्टर टीके टमटा ने बताया कि पहली नजर में मामला हार्ट अटैक का लग रहा है, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है।